हमारे साथ हिमांशु भैया, कुछ कंटेंट दो यार, कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशन दो ना, आप मस्त लगते हो। अरे टैलेंट दिखाओ अपना। हैप्पी बर्थडे दीदी। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ हमारे प्यारे दुलारे इंडियन रेस्टोरेंट, और अभी मैं आलू का पराठा पार्सल करा रहा हूँ क्योंकि आज तो मैं अपना खाना बनाया हूँ और लंच में भी निकलना भी नहीं। गाइज गाइज गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, क्योंकि ये है एक नया हफ्ता, नया दिन और एक नया व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वापस रोड से, अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस। आज का प्लान ऐसा है कि आज हम लोगों को शाम को एक बर्थडे पार्टी अटेंड करना है झरना दीदी का, तो कल से इनविटेशन आ चुका है। एक्चुअली इनविटेशन मैंने खुद डिज़ाइन किया था, दीदी ने बोला मुझे, तो अब एक डिज़ाइनर का ग्रुप में होने से यही फ़ायदा रहता है। बाकी वो तो शाम को जाना है, अभी मुझे ऑफिस जाना है। मेरे को नया पीसी मिल चुका है और मैंने लंच तो अपना इंडियन रेस्टोरेंट से पैक करा लिया, आपने देख चुका है पहले ही। तो अभी हम लोग चलते हैं ऑफिस और आज देखते हैं हमारा नया पीसी कैसा है और क्या मेरा उसमें दिमाग ख़राब होना बंद होता है कि नहीं, क्योंकि पुराना जो पीसी था बहुत स्लो था, उसमें मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। तो अभी चलते हैं। बाकी आज काफ़ी अच्छा दिन है क्योंकि धूप निकला हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश नहीं हो रही। तो गाइज मैं इतना जल्दी जल्दी निकला हूँ ना आज, मैं तुम लोग को क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे लंच पार्सल कराना था। नहा धो के आया, पूजा आरती किया, फिर ऐसा भागा हूँ मैं ना कि मैं लेट ना हो जाऊँ। और आज ब्रिज वैसे भी थोड़ा भीड़ था, तो मैं ब्लॉग को भी घर में स्टार्ट करना भूल गया था भाई। अगर ऐसा डेली कर रहा तब तो हालत ख़राब हो जाएगी। देखो भाई, हम कितना भी करें, कहीं भी कुछ भी हो, हमेशा मैं टाइम में पहुंच जाता हूं। चाहे वो मेरा जॉब हो, चाहे मैं अरीना जाता था, तो भी मैं टाइम पे ही पहुंच जाता था, भले कितना तो लेट हो। और आज हम पहले ही दिन अपना पीसी को पूरा खोल दिए। गाइस कसम से बताऊँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन इस जॉब की वजह से मेरे को इसको पीने की आदत पड़ गई यार। तो गाइस मैं ऑफिस से निकल गया हूँ और अभी जाना है झरना दीदी के बर्थडे के लिए। तो उससे पहले प्रवीण भैया के यहाँ जाना है, मैं जस्ट अभी उनको फ़ोन किया तो बोले मेरे ही घर आ जा, साथ में कार में निकल जाएंगे, तो अभी वहाँ निकलते हैं। गाइस आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, उसके दो रीज़न है। एक तो काम बहुत ज़्यादा किया हूँ मैं आज, क्योंकि पीसी मिल गया था तो भाई धड़ाधड़ धड़ाधड़ काम। और कसम से एक चीज़ में ना 12 करेक्शन से ज़्यादा किया हूँगा मैं। और फिर दूसरा चीज़ ये कि लंच मैं उतना ठीक से नहीं कर पाया, क्योंकि सिर्फ दो आलू के पराठे मैं पार्सल करवा पाया था, तो मेरे को लगा था उतने में हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, उतने में नहीं हुआ, तो उस वजह से भूख लग रहा है। बाकी अभी चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ दीदी के लिए बुके ले लूँ, रास्ते में और कुछ तो दिमाग में नहीं आ रहा है कि लेने के लिए, तो बुके ले लेते हैं और फिर चलते हैं प्रवीण भैया के यहाँ। गाइस तो मेरे को वापस ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कलर का रोज लूँ, तो लगभग लगभग सब में कहीं कहीं डलवा लिया क्यों। और अभी चलते प्रवीण भैया के यहाँ, वहाँ से थोड़े देर में निकलेंगे, वैसे अभी तो बहुत टाइम है। मैं सोचा सीधा घर जाने से अच्छा इधर ही से निकल जाऊँगा, तो प्रवीण भैया के यहाँ ही गाड़ी रख देंगे। तो हम लोग तो रेडी हो गए, बस हिमांशु भी आते हैं फिर हम लोग निकलेंगे। गाइस अभी हम लोग आए हैं वैसे शायद केक लेने के लिए, ये है क्या है स्टोनर सेफ जो भी पढ़ लेना, और हमारे साथ हिमांशु भैया, कुछ कंटेंट दो यार, कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशन दो ना, आप मस्त लगते हैं। इनका हर बार का एक्सप्रेशन खतरा, हर बार का कुछ ना कुछ खतरा एक्सप्रेशन ना रिकॉर्ड हो जाता है। इस बार कहीं ट्रिप जाएंगे तो फिर से बिल्कुल। अरे यार अर्पित भैया नहीं आ रहा, देखो केक आ गया, केक आ गया, एक ये केक है, ये दो ठोके और चलते हैं अभी। पुलिस वालों का गाड़ी देखो भाई, मजाक है क्या, रैली वाली निकला है क्या इन लोग। ऑलमोस्ट 5 केक ले लिए, पूरा कार केक से भरा हुआ है अभी तो 2 केक और इधर जा रहे हैं, मतलब बाकी फिर अंदर है।
कितना केक हो गया यार? पांच केक बनी हुआ केक। हैप्पी बर्थडे दीदी। तो हम लोग आ गए हैं जी मोटल रूफटॉप एंड काफी अच्छी जगह लग रही है अभी तो। बोझ जाएगा यार वो तो। एक एक खड़े हो जाते हैं चले। पता ही नहीं चला यार। अरे टैलेंट दिखाओ अपना। बर्थडे टू गाइस। पहले पेट पूजा बाद में खाना पूजा। तो गाइज मैं प्रवीण भैया के घर से निकल गया हूँ। अपना बैग वहाँ छोड़ा था तो साथ में रख लिया और मेरे स्कूटी में भाई फ्यूल एम्प्टी का इंडिकेशन आ चुका है। आफ्टर लाइक लास्ट संडे मैंने फ्यूल अप कराया था जब मम्मी थी साथ में। अब उसके बाद आज मंडे है तो ऑलमोस्ट समझो एक हफ्ता एक दिन चल गया और उसमें भी मैं एक बार तखतपुर गया था तो ठीक ही चल रहा है, मतलब ठीक एवरेज दे रहा है। डेली तो 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर चलती है। अब उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो आ जाएगा राउंड फिगर। मेरे को एक चीज़ याद है, लास्ट बार जब मैं गाड़ी सर्विस कराया था तो मैं अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर चेंज कराना भूल गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल करा लूँगा। सो यस, ये हमारा कल का टास्क रहेगा और देखते कल क्या एक्साइटिंग होगा। बाकी आज का दिन काफ़ी अच्छा था और खाना वाना भी बहुत बढ़िया था, पार्टी बहुत सही से गया और बहुत दिन बाद ऐसे मिलते हैं सब लोग तो बहुत अच्छा लगता है। सो यस, ऑन दैट पॉइंट मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ किसी और दिन। तब तक दिस इज़ मी करण सिंह साइनिंग ऑफ एंड यू वर वॉचिंग अनकट ब्लॉग्स। टाटा, गुड बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।